ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर मोती सिंह राजपुरोहित, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, रुद्राक्ष के विषय में समय समय पर हम अलग अलग वीडियोस वगैरह बनाते हैं और आप लोग हमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते हैं। तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर अलग अलग, जैसे रुद्राक्ष है, जेमस्टोन है, प्रीशियस स्टोन वगैरह है, मालाएं वगैरह है, उस पर वीडियो लेके आते हैं। और हमारे पास जो भी नया नया जो स्टॉक आता है रुद्राक्ष में, बहुत ही एक्सीलेंट प्रीमियम बेहतरीन बेहतरीन जो दाने होते हैं सेलेक्टेड, वो हम आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। और फिर आपको उसमें कोई भी तरह की नीड होती है तो आप हमें संपर्क करके वो दाने प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, 10 मुखी रुद्राक्ष के विषय में बना रहे हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष के बहुत सारे बेनिफिट माने जाते हैं, लॉर्ड कृष्णा के लिए भी माना जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष के विषय में ऐसा भी कहा जाता है, ये 9 के 9 प्लैनेट, 9 के 9 जो ग्रह होते हैं, उस रिलेटेड आपको पावर बैलेंसिंग करना है तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष का डेफिनेटली प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु दोष निवारण के लिए भी 10 मुखी रुद्राक्ष का बहुत प्रयोग होता है। दोस्तों, एक 10 मुखी रुद्राक्ष, उसके ऊपर 7 या 9 या 11 दाने स्पटिक के लगा के, 2 दाने टाइगर स्टोन के यूज करके, आप सिल्वर के वायर में या पंच धातु के वायर में डाल के, आप द्वार पे, ऑफिस के मेन फ्रंट पे या घर के मेन जो दरवाजा है वहां पे अंदर की साइड आप उसको लगा सकते हैं, जिससे वास्तु दोष में बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। दोस्तों, वास्तु दोष निवारण के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष वास्तु में बहुत अच्छा प्रयोग माना जाता है। लॉर्ड कृष्णा के रिलेटेड आपको पावर लेना हो तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड के लिए भी 10 मुखी रुद्राक्ष का बहुत उपयोग माना गया। दोस्तों, 10 मुखी रुद्राक्ष में जो सबसे उत्तम रुद्राक्ष माना जाता है वो रहता है नेपाल का रुद्राक्ष। में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, जैसा कि कुछ वीडियोस जो लास्ट में आपने देखे होंगे, आप हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर है तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा, सभी रुद्राक्ष के विषय में हमने काफी वीडियोस बनाए हैं और भी फ्यूचर में अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे पास जो भी नया नया स्टॉक आएगा उसके अकॉर्डिंग। 10 मुखी जो रुद्राक्ष है उसके काफी प्रयोग होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के जैसे छोटी बड़ी साइज में मिल जाते हैं आपको, नेपाल के सबसे उत्तम रहते हैं। दूसरे जो मिलते हैं वो इंडोनेशिया से मिलते हैं, इंडोनेशिया के वो आते हैं, काफी छोटे होते हैं दोस्तों कंपेयर। जैसे नेपाल का अगर मैं सबसे छोटी साइज का दाना कहूँ तो ये बीट्स आपको दिख रहा है वो सबसे छोटी साइज है, और इसकी साइज में अगर आपको कहूं कैलकुलेट, रुद्राक्ष ऑलवेज काउंट होता है एमएम में। आप दुनिया के कोई भी कोने से रुद्राक्ष जब बाय करेंगे, अगर आपको बेसिक रुद्राक्ष का नॉलेज होगा तो आप सबसे पहले एक ही क्वेश्चन करेंगे सामने वाले से कि मुझे 10 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, 20 mm चाहिए, 24 mm चाहिए, 28 mm चाहिए या 30 mm चाहिए। क्योंकि रुद्राक्ष का जो एक डिफाइनेशन बोलते हैं इसको, जो अलग अलग प्रकार जो कहा जाता है वो डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग। जैसे ये साइज है, अगर आपको एक कैलिबर स्केल में मैं आपको एमएम इसका मेजरमेंट करके बताता हूं दोस्तों, ये आपके सामने रुद्राक्ष एक 24 mm, ये 24 mm का बीट्स है दोस्तों, 24 mm का ये बीट्स है। इसी तरीके से अगर दूसरा मैं मीडियम साइज का एक बीट्स उठा के आपको मैं बताऊं दोस्तों, तो उसका एक मेजरमेंट आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, ये 28 mm, 28 mm। तो इस तरह से दाने का वेरिएशन क्वालिटी अलग अलग रहता है, स्मॉलर बीट होगा उसकी कॉस्ट कंपेयर टू दी बिगर लो रहती है। जैसे जैसे आप बड़ा बीट्स लेते जाते हैं रुद्राक्ष का वेट भी मायने रखता है दोस्तों। जैसे हमने ये वेट मशीन साथ में रखी इसीलिए है कि कुछ दानों का हम वेट भी करके बताते हैं बहुत बार। जैसे ये 28 mm इसकी साइज है तो इसका वेट है 4.29 ग्राम। 26 से ऊपर के जितने भी दाने हैं उसका मिनिमम जो वेट है वो 3.5 ग्राम होना चाहिए, स्टैंडर्ड एक जो मेजरमेंट और एक कैलकुलेशन जो मानी जाती है अच्छे रुद्राक्ष की। उससे अगर वो प्लस में है तो देन डेफिनेटली वो काफी बेटर बीट्स है। जैसे ये अभी 28 mm इसकी साइज है, 4.26 mm जो 4.26 ग्राम इसका जो वेट है, इट मीन्स ये काफी अच्छा बीट है, बेहतरीन बीट है, साइज काफी अच्छा है, शेप भी देख सकते हैं काफी अच्छा है। जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस में बताए हैं आपको, रुद्राक्ष को डिफाइन करने के लिए उसके ऊपर लाइनिंग भी काउंट करती है। जैसे इसके ऊपर कितनी लाइन बनी हुई है, जो रेखाएं बनी हुई होती है वो उसके होते हैं मुख। एक रुद्राक्ष के ऊपर अगर
11 रेखाएं बनी हुई है, 11 लाइन बनी हुई है, वो भी नेचुरल, तो वो 11 मुखी है। इसके ऊपर 10 लाइन है, इट मीन्स ये 10 मुखी रुद्राक्ष है। जितनी उसके ऊपर रेखाएं हैं, जितनी लाइन है, उतना मुखी इस कहलाता है। उसी तरह से आपके सामने 10 मुखी रुद्राक्ष दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन लॉट हमारे पास अवेलेबल है इस साल का। ये जो नेपाल से जो बोले नया जो लॉट आया है वो ये वाला है। एक ये भी काफी अच्छा और बेहतरीन बीट्स दिखाई दे रहा है मुझे दोस्तों। 28.51 mm इसकी साइज है। इसका वेट कंपेयर टू जो लास्ट बीट मैंने देखा है उससे काफी अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए बीट्स को उठा के मैं आप लोगों तक प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर इसका मैं वेट कहूं दोस्तों तो अंदाजन इसका वेट है 6 ग्राम। 28.51 mm इसकी साइज है, वेट 6 ग्राम है। इट मीन्स एक्सीलेंट बीट, काफी रेयर कैटेगरी में आ जाता है। दाना काफी वेटेड है, क्योंकि जब बीट्स को अपन हाथ में लेते हैं तो उससे अपने को एक आइडिया लग जाता है कि ये जो दूसरा बीट मैंने उठाया है उसका काफी वेट अगर कंपेयर करूँ तो इससे काफी इसका अच्छा है। और कुछ छोटे दाने हैं जो 3-4 ग्राम के भी हैं, तो उस तरह से आप इसका डिफाइन कर सकते हैं कि कितना इसका साइज है। तो यही चीज मैटर करती है कि रुद्राक्ष की साइज क्या है, उसका mm कितना है। तो ये 10 मुखी में काफी अच्छे अच्छे बीट्स आए दोस्तों हमारे पास। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन दाने हैं, अच्छे दाने हैं, शेप वाइज बहुत बेहतरीन है। एक अच्छा 10 मुखी रुद्राक्ष आपको प्राप्त करना है तो बहुत सही समय है हमसे संपर्क करने के लिए। आप हमारे नंबर पे जो स्क्रीन में शो हो रहे हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का भी लिंक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप कोई भी नंबर पे कांटेक्ट करके आप एक अच्छा रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, हमारी टीम आपको रुद्राक्ष के विषय में डेफिनेटली काफी जानकारी देगा। आप चाहते हैं आपके पास कोई रुद्राक्ष उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पिक्चर वगैरह कर सकते हैं, वीडियो वगैरह बना के शेयर कर सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा आपको हमारी टीम हेल्प करेगी उस रुद्राक्ष के विषय में जानकारी लेने में, क्योंकि आप रुद्राक्ष कहीं से भी लें दोस्तों, रुद्राक्ष जब भी लें 100% ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। रुद्राक्ष जब तक ऑथेंटिक नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा, उसका लाभ आप तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रॉपर लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक ओरिजिनल और एक ऑथेंटिक रुद्राक्ष प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस रुद्राक्ष का जो प्रॉपर रिजल्ट है, जो प्रॉपर बेनिफिट है वो ले सकते हैं। रुद्राक्ष का जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वाटर थेरेपी की तरह भी आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप 10 मुखी रुद्राक्ष का बेनिफिट लेना चाहते हैं, रात को एक पानी के ग्लास में रुद्राक्ष को रख लीजिए, पानी भर के मॉर्निंग में उसमें से रुद्राक्ष को रिमूव करके उस पानी को आप पी लीजिए। 7 से 8 घंटे, 10 से 12 घंटे तक उस रुद्राक्ष को जब वो पानी में रहेगा, उस वाटर को आप सुबह मॉर्निंग में जब कंज्यूम करेंगे, आप उसको जब पियेंगे तो आपको हेल्थ रिलेटेड काफी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। डेफिनेटली प्रॉपर बेनिफिट और रिजल्ट मिल सकता है आपको। अच्छे अच्छे लाभ लेने के लिए आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में अच्छे रुद्राक्ष वेयर करने चाहिए। रुद्राक्ष के बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी बनते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहते हैं कि मेरी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो उसके लिए सिंपली आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन में शो हो रहे हैं उस पे आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस हम तक फॉरवर्ड कर दीजिए। फ्री रिकमेंडेशन, आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये 3 चीजें आपके पास एक्यूरेट है, आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर, आपका बर्थ ऑफ टाइम, आपका जन्म कौन से समय में हुआ है, और बर्थ ऑफ द प्लेस। बर्थ ऑफ प्लेस तो सबको मालूम होता ही है कॉमनली, लेकिन बर्थ टाइम में और बर्थ ईयर और डे में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, उनके पास एक्यूरेट डिटेल नहीं होती है। शर्त यही है जितना एक्यूरेट डिटेल आप भेजेंगे दोस्तों उतनी सटीक जानकारी आप तक पहुंचेगी। एक सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए कि आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो आप सिंपली जो हमारे स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। हमारे जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टीम है रुद्राक्ष के एक्सपर्ट की, वो आपकी पूरी बर्थ चार्ट को एनालिसिस करेगा। हो सकता है कि आपने जब हमें मैसेज किया है तो काफी संख्या में हमारे पास मैसेज आ जाते हैं, तो आपके आंसर को, आपके जो व्हाट्सएप मैसेज को उसको रिवर्ट करने में हमें कुछ समय लग सकता है,
तो आप ये चिंता ना करें कि जब मैंने मैसेज किया तो मुझे रिवर्ट नहीं है, आएगा आपको। आपने मैसेज किया, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों की हेल्प करना, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमें जरूर पूर्ण करेंगे और आप लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क कीजिए, आपकी सहायता की जाएगी। और 10 मुखी रुद्राक्ष हो या कोई भी मुखी रुद्राक्ष, आप कोई भी रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, ऑथेंटिक लेना चाहते हैं एक सर्टिफिकेट के साथ प्रॉपर, आपको हम रुद्राक्ष ओरिजिनल प्रोवाइड कर देंगे। फिर वर्ल्ड की कोई भी लैब में आप क्रॉस चेक करवा सकते हैं उसको, आपको जिस लैब पे ट्रस्ट हो कि हाँ मुझे ये दिल्ली की लैब है उस पर ट्रस्ट है, मुंबई की लैब है उस पर ट्रस्ट है, बैंगलोर की लैब है उस पर ट्रस्ट है, आप जहाँ पे उसको क्रॉस चेक करवाना चाहते हैं आप करवा लीजिए, आपकी संतुष्टि के लिए जरूरी दोस्तों। क्योंकि हमारी जिम्मेवारी आप तक ओरिजिनल रुद्राक्ष पहुंचाना, आगे आपको किस तरह से उसको वेरिफिकेशन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है वो हम पूरा हमारे जितना हो सके पॉसिबल उतनी तरीके से हम आपको परफेक्ट रुद्राक्ष पहुंचा लेते हैं, उसके बाद अपने भी आप कहीं पे भी क्रॉस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और रुद्राक्ष एक अच्छा ले सकते हैं। जब एक ओरिजिनल और एक ऑथेंटिक रुद्राक्ष जब आप दोस्तों लेंगे, उसको वेयर करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप उससे लाभ भी प्राप्त करेंगे। तो रुद्राक्ष के अलग अलग कॉम्बिनेशन भी होते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको, आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी बर्थ चार्ट चेक की, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग उसमें कौन सा रुद्राक्ष आपको रेकमेंडेशन है, 3 मुखी है, 5 मुखी है, 9 मुखी है, 3 से 4 रुद्राक्ष के जो अलग अलग कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो हम यहाँ से आपको बताएंगे कि वो इस तरह का कॉम्बिनेशन आप वेयर करके, क्योंकि जितने भी जो जातक होते हैं, जितनी भी जो कुंडली होती है, कुंडली में ग्रहों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। किसी का बुध वीक है, किसी का शनि है, किसी का शुक्र है, तो ये जितने भी प्लैनेट हैं उनको बैलेंसिंग करना बहुत जरूरत होता है। सपोज अगर आपने आपकी बर्थ चार्ट दिखाई, आपने बर्थ डिटेल दी, उसमें से गुरु वीक है, तो आप उसको उसके लिए पुखराज धारण कर सकते हैं उसको बैलेंसिंग करने के लिए, अगर उसके सामने कोई ऐसा प्लैनेट नेगेटिव दृष्टि नहीं डालता हो। अगर वहाँ नेगेटिव दृष्टि डाल रही है तो आप बैलेंसिंग के लिए पुखराज का भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको वो नेगेटिव प्रभाव दे सकता है, स्टोन में ऐसा होता है। लेकिन इसके कंपेयर में रुद्राक्ष में कैसा है दोस्तों, गुरु है आपका, वीक है या अप है, उसको बैलेंसिंग करने के लिए आप रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष कभी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है, जब भी आप रुद्राक्ष वेयर करेंगे आपको ऑलवेज पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। अच्छा रुद्राक्ष धारण कीजिए, बेस्ट रिजल्ट लीजिए, आप भी लीजिए और आपकी पूरी फैमिली को भी उसका रिजल्ट दिलाइए। मैं आशा करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह के 10 मुखी रुद्राक्ष या कोई भी ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी डिटेल दी हुई है। और वीडियो पसंद आया हो तो आप दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें जो नए नए वीडियोस बनाएंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप उसको समय पर देख पाए। ऐसा ना हो कुछ वीडियो अच्छी सी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाए, मिस हो जाए, इससे बेटर है बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तुरंतली जब भी पूरे दिन में आपको टाइम मिले, ऑफिस टाइम में, लंच टाइम में, घर आने के बाद आप आराम से उस वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो फीडबैक हमें जरूर दीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का प्रेम इसी तरह से बना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।